बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब ताहिर इकबाल चौधरी साहब, मियाँ पीरजादा साहब, फौजिया बड़ाई साहिबा, सैयद कुमैद हैदर साहब, हिमायतुल्ला साहब, आबिद लेड़ी साहब और इलेक्टेड अफराद, सारे पाकिस्तान से आए हुए मुंतखब लोकल बॉडीज़ के लोग, ख्वातीनों हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं मशहूर हूँ आप सबका, यूरोपियन यूनियन का, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स का, और कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया होगा, क्योंकि जो मैंने सुना आपकी गुफ्तगू से तो काफ़ी पूरे एक दिन बहस मुबाहसा और उसकी बुनियाद पर कोई रिकमेंडेशंस होंगे और आज की भी आपकी महफिल चलती रही। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया वो बहुत अच्छा काम किया, और मेरे ख़्याल से इत्तेफाक़ राय हमेशा की तरह निकला कि लोकल गवर्नमेंट एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब मसाइल कहाँ हैं ये भी तो देखे ना, मत बड़ी अच्छी चीज़ है, सब लोगों ने तारीफ की होगी, बेहतरीन चीज़। मसाइल कहाँ हैं? मैं समझता हूँ कि आईन के अंदर मैंने तलाश किया आज आपके पास आने से पहले कि क्या कहाँ कहाँ जिक्र है, तो तकरीबन 22 जगहों पर लोकल गवर्नमेंट के एतबार से जिक्र है, जहाँ इस बात का कि हुकूमत के इदारे हैं तो लोकल गवर्नमेंट का भी इदारा है, जहाँ इलेक्शन कराना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन कराएगा, मगर जो उसकी रूह है वो आर्टिकल 32 में है कि जिसके अंदर कि स्टेट जो है वो ज़िम्मेदार है इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के लिए, शायद एनकरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं की स्टेट पर, कहा कि सिर्फ इनक्रेज करना है। अच्छा, मगर हम और आप जिस खित्ते के लोग हैं, फिर आगे जाकर 140A के अंदर ज़्यादा वजाहत की गई कि ईच प्रोविंस शैल एस्टैब्लिश द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। उसके बाद आइन ने छोड़ दिया कि सूबे जो हैं वो अपना बल्दियाती निज़ाम खुद तय करें। पाकिस्तान के अंदर अख्तियारात और रिसोर्सेज का एक स्ट्रगल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर खित्ते में है, पाकिस्तान में भी है, और ये जब से पाकिस्तान बना, जब से ये सिलसिला चलता रहा, एक स्ट्रगल हुआ वन मैन वन वोट के एतबार से मशरिकी पाकिस्तान के साथ, वो भी रिसोर्स और पावर दोनों का स्ट्रगल था। ठीक है, कुछ लोग इस बात की कोशिश करते रहे नहीं कि पैरिटी हो, मशरिकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मगरबी पाकिस्तान की कम है, मगर सबकी पैरिटी हो ताकि रिसोर्सेज पर कंट्रोल रहे, और इसी कोशिश के अंदर आपस में गलतफहमियां बढ़ती गईं और नतीजा जो है वो हम पर और आप पर सब पर जाहिर है कि क्या हुआ। फिर वहाँ जो भी हुकूमत आती है, एक तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है, सूबे की, डिस्ट्रिक्ट की, लोकल काउंसिल्स की, कि हमें रिसोर्सेज भी मिले और हमें ताकत भी मिले। जमहूरियत का हुस्न यही है, तो हर जमहूरी कुव्वत की ख्वाहिश होती है कि जी ताकत का डेवोल्यूशन हो। सेंटर की तरफ देखते हैं तो सूबा कहता है कि ताकत हमें दो, सूबे की तरफ देखते हैं तो जब नीचे वाले लोग कहते हैं कि ताकत हमें दो, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। इसमें अगर आमिर आता है तो आमिर जो है वो बीच की लेवल को डाइल्यूट करता है, वो सियासतदानों को डाइल्यूट करता है, प्रोविंशियल नेशनल असेंबलीज को डाइल्यूट करता है, और नीचे बल्दियात पर जाने की कोशिश करता है। ये अयूब खान के ज़माने में 1962 में बेसिक जमहूरियत का निज़ाम शुरू हुआ, जिसमें शायद 5000 या 4000 लोग मिलकर एक बीडी का इलेक्शन लड़ते थे, उसमें से 8-10 या 15 बीडी के लोग अपना चेयरमैन मुंतखब करते थे, और 80,000 का तकरीबन उन्होंने एक पूल बनाया जिसकी बुनियाद पर सदर भी इलेक्ट हो रहा था उसी पूल से। तो वो आसान था कि 80,000 लोगों के साथ खरीदो फरोख्त हो जाए तो जो सदर है वो सही मुंतखब हो जाए, जो उनकी ख्वाहिश थी। तो इस तरह से वो जो बल्दियाती निज़ाम था वो बल्दियात के नाम पर कायम हुआ, बल्दियात का काम किया, मगर उसके नीचे नीयत मुख्तलिफ थी। कोई लोग बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेगा,
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि यार ये भी लूट मार करके हमारी हमारी खिदमत कर देगा, तो वो नियत जो थी उस बलदियाती निज़ाम के पीछे वो ही गड़बड़ थी। फिर 79 में आया जैसे आपने ज़िक्र किया, फिर 2002 में आया। मगर मैं आपको, आप ये अगर सोच रहे थे जो तकरीर में कहा कि जी रियासत की मैं कोई पोजीशन दूंगा, तो रियासत की पोजीशन तो आईन है, हुकूमत हुकूमतों की पोजीशन मुख्तलिफ होगी और हुकूमतों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आकर बात करके गए होंगे, मगर रियासत की पोजीशन तो आईन वाली है ना, वही मैं आपके सामने रखूँगा अभी। मगर ज़रा सोचे तो सही कि आपका आपकी तारीख क्या है। मैं एक अनोखी बात आपके सामने आज कर रहा हूँ, दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशंस सिर्फ दरियाओं के गिर्द हुई, यूरोप के अंदर डैन्यूब के गिर्द, उसके बाद टाइग्रेस यूफ्रेट्स नाइल और दरियाए सिंध, पांच सिविलाइजेशंस, सुमेरियन सिविलाइजेशन टाइग्रेस और यूफ्रेट्स के साथ, फिरौन की सिविलाइजेशन मिस्र की सिविलाइजेशन नाइल के साथ, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाली और टैक्सिला वाली सिविलाइजेशन जो है वो दरियाए सिंध के साथ हुई। मगर एक अनोखी बात आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो ये कि आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले आसार सारे मौजूद हैं कि उस ज़माने की आबादियों के अंदर इन सारी सिविलाइजेशंस के मुकाबले पर सिंध, दरियाए सिंध की जो सिविलाइजेशन थी वो बल्दियात के एतबार से स्ट्रॉन्ग थी। ये आपकी हिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग थी कि कम्युनल लिविंग थी, बहुत बड़ी कोई बाउंड्री नहीं थी कि जंग और जदल का कोई यहाँ पर आसार नहीं मिलते, हथियारों के आसार नहीं मिलते मोहनजोदड़ो में, मगर कम्युनल लिविंग के आसार मिलते हैं, बल्दियात का निज़ाम मिलता है। और बल्दियात का निज़ाम क्या कि रनिंग वाटर दरियाए सिंध से उस मोहनजोदड़ो के थ्रू घरों के पास से गुजरता था, रनिंग वाटर, सीवेज का निज़ाम था। ये पहली सिविलाइजेशन है जहाँ घर के अंदर भी लेटरिन का इंतज़ाम था, पहली सिविलाइजेशन है, और वहाँ से सीवेज बाहर जाता था और ओपन ड्रेनेज, क्योंकि पाइप वहाँ बनते नहीं थे, ओपन ड्रेनेज था और ओपन ड्रेनेज कहीं मेन सीवेज लाइन में जाता था। ये 3-4 हज़ार साल पहले, और दुनिया के मुअर्रिख कहते हैं कि ये पहली मिसाल है कम्युनल लिविंग की जिसके अंदर कोई बल्दियात का निज़ाम था, लोग बैठकर तय करते होंगे। और ऐसा भी नहीं हुआ कि आबादियां बनती चली गई और उसके गिर्द फिर गांव बन गया, ऐसा नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के तहत सड़कों का लेआउट हुआ। ये तो आपकी तारीख है, और इतनी अच्छी तारीख के साथ जब हम आज का पाकिस्तान देखें तो अभी भी हमें ओपन ड्रेनेज नज़र आता है, 3-4 हज़ार साल पहले की बात, आज भी वही नज़र आ रहा है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमारे साथ खामियां हुई हैं, बहुत सारी खामियां हुई हैं, किस किस खामी को और किस किस चीज़ को हम रोएंगे। मगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक जेरेड डायमंड एक ऑथर है, उसने एक किताब लिखी, उसने कहा जी पहले हर काम के अंदर पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, और मैंने एक प्रॉब्लम आपसे आइडेंटिफाई किया कि ये अच्छा होता, और अभी भी इम्कान है इस बात का कि आइन के अंदर ज़रा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो। अब होता ये है कि हर काम के लिए फिर आप कोर्ट्स में जाते हैं इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि आइन की रूह ये है, फिर आप इंटरप्रेट करते हैं उन चंद अल्फाज से कि आइन की रूह ये होगी। तो मेरा दिल ये चाहता है कि आइन के अंदर डिस्क्रिप्शन अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो रूह की अक्कासी भी करेगा, मगर क्योंकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है ये जिम्मेदारी सूबों की रहनी चाहिए, मगर स्पिरिट तो आएगा। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ कह देना, जैसे जमहूरियत कह देना, जमहूरियत की जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो उसका आइन होगा, सदारती या पार्लिमानी भी कह देना आसान है, बहस भी बड़ी होती रहती है, मगर हर चीज़ का निज़ाम है। कोई जमहूरियत दुनिया की किसी और जमहूरियत से मैच नहीं करती, कोई जमहूरियत, हर जमहूरियत के साथ कोई आइन है, हर हुकूमत का कोई आइन है। अफगानिस्तान में भी कोई लिखी हुई डॉक्यूमेंट की फिक्र है तो तालिबान जो आज
हुकुमरानी कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हम कोई आइन पुराना ही आइन लेकर चलें फिलहाल। तो उन्होंने कहा ज़ाहिर शाह का जो आइन है उसको हम लेकर काम तो शुरू करें, फिर उसके बाद आप तब्दीली करते रहिएगा। तो लिहाजा कोई जमहूरियत एक सी नहीं है, कोई बल्दियाती निज़ाम एक सा नहीं है, जो कहता है गलत कहता है, हर जगह की रूह और स्पिरिट के एतबार से बनता है। हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम था, पंचायत था, जिरगा थी, वो सिविल साइड पर या क्रिमिनल साइड पर भी फैसले करते थे, जो पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का निज़ाम बनने के बाद उन फैसलों के एतबार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के अंदर आ गए। मगर आपस के झगड़े, आपस की बहुत सारी चीज़ें, वही पंचायत और जिरगा, इसको हिंदुस्तान ने पंचायत सिस्टम को बाकायदा रिकग्नाइज भी किया और पहचान लिया, वही चीज़ है। किस कानून के तहत जिरगा भी बताते खुद, लोगों के सामने अगर जिरगा का जिक्र करो तो वो डराने के लिए काफ़ी होता है ना, ऐसी कैफियत नहीं है। वो भी एक बल्दियात का या लोकल कंसल्टेटिव निज़ाम था, और जब स्टेट कहीं से मिसिंग थी तो वो स्टेट का फंक्शन भी पूरा कर देता था कि आपस में लड़ाई झगड़े को निपटाया जाए, किसी तरह से हल कर दिया जाए। अच्छा, डेवोल्यूशन जब हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं, चार पांच डीज हैं इसके अंदर, बल्दियात के अंदर, जो मैं समझता हूँ बड़े अहम हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने आपसे कहा कि आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को, फिर मालकी करें कि नहीं है ये प्रॉब्लम, और जितने मशवरे ऐसे मशवरों के अंदर कोई वज़न भी डालें, और उसमें सियासी वज़न, आपने कल और आज की बहस के अंदर सियासी वज़न डाला कि सियासी जिम्मेदारान यहाँ आए, उन्होंने कहा कुछ गलतियाँ हुई और उन्होंने कहा कि कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप करना है कि मालकी करना, अब हमने कुछ करना है, और तीसरा कदम है कि माजी की गलतियों से कुछ सीख लेना, दूसरों की अच्छाइयों को अडॉप्ट करना, और पांचवा कदम यह है कि फिर उसको प्लान करना कि करना क्या है, और फिर उसको कमिट कर इम्प्लीमेंट करना। ये तो पांच छह चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको और हमको हर कदम के, हर मामले के अंदर इसी अंदाज से सोचना चाहिए कि आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम है, फिर मालकी करें उस प्रॉब्लम की, फिर सीख लें माजी से और हाल के अंदर, प्लान कर लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो यही चीज़ बल्दियात के हवाले से मेरा मशवरा है। मगर बल्दियात के अंदर क्या खूबसूरती है जो हमें और आपको पसंद है, एक तो इस्लामी रवायात भी क्या कहती हैं, क्योंकि हम मालकी करते हैं इस बात की कि इस्लाम हमारी तारीख है। मैंने पहले की तारीख आपसे मोहनजोदारो का जिक्र किया, और वाकई जाकर देखिएगा, सोचिएगा, इससे बेहतर बल्दियाती सिस्टम, बग़ैर प्लानिंग के मौर्रिख कहते हैं कि मोहनजोदारो ऐसे तामीर नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले लेआउट हुआ सड़कों का, जैसे आजकल आप कोई डेवलपमेंट देखते हैं ना, सड़कों का लेआउट होता है, पाइप लेट डाउन किए जाते हैं, सीवेज लेट डाउन किया जाता है, पहले लेआउट हुआ। आप इररिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन मोहनजोदारो में आपको नज़र नहीं आएगा, तो 3-4 हज़ार साल पहले। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इस्लामी तारीख, उसकी तारीख सिर्फ अब ज़मीन पर रह गई, मोहनजोदारो की लिखी हुई तारीख कम है, ज़मीन पर है क्या हुआ होगा, मगर लिखी हुई तारीख, इस्लाम की तारीख तो मौजूद है। उसके अंदर जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको कहीं का ज़िम्मेदार किया, खुलफाए राशिदीन ने कहीं किसका किसी चीज़ का गवर्नर बनाया, तो वो भी पब्लिक सर्विस के एतबार से बनाया, और पब्लिक सर्विस के अंदर कुछ चीज़ों का कंपल्शन किया, ख़ास तौर पर तीन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, तीन चीज़ों का कंपल्शन किया हर उस गवर्नर के ऊपर, या हर सब्सिक्वेंटली उसके नीचे हर जिम्मेदार के ऊपर वही तीन चीज़ें लागू थीं। उसमें से कुछ मुमकिन है, कुछ नहीं मुमकिन है। एक ये है कि लोगों से राबता बेअंतहा ज़रूरी है, तो उसमें से पहला ये था कि जो अम्माल बनाए जाए, जिम्मेदार एग्जेक्टिव बनाए जाए, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाए। तो मेरी दरख्वास्त नासिर हुसैन शाह साहब से पहली तो यही है, मगर वो सिर्फ, उसकी स्पिरिट क्या है, उसकी स्पिरिट ये है कि लोगों से राबता रहे और हफ्ते में एक दिन हो जाए राबता, पहली स्पिरिट। दूसरी स्पिरिट, वो भी ज़रा सी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुमकिन नहीं, मैं सिर्फ ज़िक्र कर रहा हूँ कि स्पिरिट देख लें।
मगर हुक्म क्या था? हुक्म ये था कि हर आदमी जो ज़िम्मेदार हो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस जगह के एतबार से वहीं ले जाए, ताकि उसको तकलीफ का, सर्विसेज का, खिदमात का, सब चीज़ों का अंदाज़ा हो। कितना प्रिंसिपल कितना अहम है, एहसास हो ही नहीं सकता ना कि मैं किसी गरीब के घर में बैठ जाऊं जाकर। सिर्फ बैठ जाऊं तो मुझे कुछ तो अंदाज़ा होगा, मगर ये आप देखें कल्चर ने क्या किया, तारीख़ ने क्या किया। तारीख ने ये किया कि बड़ों की आबादियां बड़ों की बना दी, और गरीबों की आबादियां चाहे वो कच्ची कहलाए चाहे जो कुछ भी कहलाए, उसकी तरफ रास्ते भी उसकी तरफ नहीं जाते, नज़र भी नहीं आते, सवाए इसके कि आपकी गाड़ी पर किसी ने खटखटाकर कहा तो वो शक्ल से गरीब नज़र आया और आपको रहम आ गया और आपने भी कुछ पैसे दे दिए और अपनी ज़िम्मेदारी से आज़ाद भी हो गए, दिल खुश हो गया कि आपने जी 100 रुपये निकाल कर दे दिए, बस आपका काम हो गया। काम ऐसे थोड़ी होता है। तो दूसरा काम ये था कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ तक ले जाओ, और तीसरा काम ये था कि अपना घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रखो। तो एक गवर्नर की शिकायत गई हज़रत उमर के पास कि जी मैं गया तो मैं दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा बंद था। तो उस गवर्नर ने आकर यह एक्सप्लेनेशन दिया कि जी मेरे पास एक जोड़ा कपड़े थे, मैं उनको धोकर सुखाए थे, इतनी देर के लिए दरवाज़ा मेरा बंद था। तो ये स्पिरिट, इसकी स्पिरिट को समझ लीजिए कि लोगों से रابطہ, लोगों की खिदमत करना है और लोगों की परेशानियों का एहसास, यही सियासी स्पिरिट है। हर सियासतदान, आप सबका सियासत से भी ताल्लुक़ है, यही स्पिरिट अंदर, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हर पार्टी के अंदर ये जज्बा उभारा भी जाता है कि भाई लोगों की खिदमत करनी है। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर बल्दियात से शुरू होती है। और आखिरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि बल्दियाती निज़ाम के अंदर 5 D's मैं समझता हूँ हैं। एक ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ताकत नीचे जाए। अच्छा, दूसरा यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का, ये भी बहुत ज़रूरी है, मतलब वो पावर के साथ रिसोर्सेज भी तो हाथ में आए ना, जिसकी बुनियाद पर वो काम कर सके। सिर्फ पावर नो रिसोर्सेज बेकार है, रिसोर्सेज विदाउट पावर तो आदमी खुद ही अमीर होता चला जाएगा, चाहे करप्शन से हो चाहे जैसे भी हो। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये NFC अवार्ड, PFC अवार्ड अगर जहाँ है जहाँ नहीं है, ये भी यही है। इसके साथ डिफ्यूजन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, यानी पावर बड़ी मजबूत चीज़ होती है, बड़ी ताकतवर चीज़ होती है, बड़ी परेशान कुन चीज़ होती है। और आजकल मैं एक मिसाल देता हूँ कि बाइबल ने एक जानवर का नाम लिया लेवियाथन, और जो हॉब्स ने उसके ऊपर एक किताब लिखी लेवियाथन के स्टेट जो है वो एक बहुत बड़े जानवर की तरह है, और उसको बैलेंस करने के लिए 2 चीज़ें मुमकिन है। अगर स्टेट बहुत ताकतवर हो जाए तो वो डिक्टेटर और जानवर की सूरत अख्तियार करती है, और बिल्कुल उसकी कोई अथॉरिटी ना रहे तो वह एनार्की बन जाती है। तो दोनों चीज़ें काबिले कबूल नहीं है। तो एक बीच में छोटा रास्ता है जिसके अंदर स्टेट की चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, थोड़ा सा उसकी रिसोर्सेज, उसकी ताकत डिफ्यूज़ की जाती है, ताकि उसके अंदर लोगों की राय भी चले, कोई एनार्की किसी तबके की नहीं, ऑटोक्रेसी या मोनार्की किसी तबके की और टोटल एनार्की दोनों ना। तो ये बीच का रास्ता है। तो इसके लिए डिफ्यूजन ऑफ पावर जो मैंने आपसे कहा कि तीसरी चीज़ बड़ी अहम है। अच्छा जी, उसके साथ सर मैनेजमेंट की डीकंसंट्रेशन है कि मैनेजमेंट भी नीचे तक आ जाए, सिर्फ ऊपर का नहीं हो। आपको याद हो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मशरक़ी पाकिस्तान कैपिटल मगरबी पाकिस्तान में लोगों को जब मसाइल, यह तो बड़ी एफिशिएंट सिस्टम हो ना कि जी कोई पोर्टल बन जाए, पोर्टल पे जाओ तुम्हारे सारे काम हो जाए, वरना हर काम के लिए लोगों को या तो जहाज़ से ढाका से कराची आना पड़ता था जो कैपिटल था, या फिर इस्लामाबाद जाना पड़ा, और मज़ीद मुश्किल जो समुद्री जहाज़ से आए वो पहले कराची लैंड किया और कराची लैंड कर फिर इस्लामाबाद आए। तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ, जो चौथी चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि मैनेजमेंट की डीकमिशनिंग नीचे तक, मैनेजमेंट जो है उसकी डीकंसंट्रेशन हो जाए। और पांचवा जो है वो
डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी हो जाए, यानी जो सर्विस का केडर है वो भी डिसेंट्रलाइज हो। तो एक तो इलेक्टेड केडर हुआ, एक सर्विस केडर हुआ। सर्विस केडर डिसेंट्रलाइज होकर वहीं के लोगों को आप मुलाजिम भी रखेंगे, वो जो वहाँ से वाकिफ़ हैं। है? मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में नेशनल असेंबली में जब 2013 से 18 तक था तो बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया। प्रॉब्लम क्या था जी, कोई पैराग्राफ आया वहाँ पर, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आई कि जी फलाना इदारा जो है उसमें बड़ा करप्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ। अच्छा जी, जो साहब बैठे हैं वो सेक्रेटरी हैं वहाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, और ये 5 साल होता रहा मेरे साथ, मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा करप्शन है, है? तो वो सेक्रेटरी साहब वहाँ से कहते हैं कि जी मैं तो अभी आया हूँ 3 महीने पहले। चलो अब उससे कोई सवाल ही नहीं हो सकता। अच्छा, अब किसी को ये नहीं पता, याद भी तो नहीं रहता ना कि इससे पहले कौन सेक्रेटरी था। 1-2 महीने बाद जहाँ पर वो अब सेक्रेटरी है उसका पैरा आया। अब हम देख कर कह रहे हैं कि यार तुम्हारे यहाँ तो बेनतहा करप्शन है। कहता जी मैं तो 3 महीने पहले आया हूँ। तो लिहाजा कोई मालिक ही नहीं है कहीं, ये टोपी ड्रामा हमारे साथ चलता रहा जो यहाँ था यहाँ से वहाँ चला हो गया। तो अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी लोकल हो तो कम से कम जो गड़बड़ कर कर वो कहीं दूर नहीं जाएगा। बस याद वाले लोग और आबादी के लोग उसको पकड़ तो सकेंगे। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार किया होगा, तो मैं भी रियासत की तरफ से उसूल आपके सामने रख रहा हूँ और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया ख्वातीन।